अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, बहुत जब से मैंने ऐलान किया है तब से काफ़ी लोगों का एक सवाल है कि हम भी इस चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो ही फील्ड में नहीं है, नॉर्मल भी है, उनका ये कहना है कि हम ये बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लेज़ी हो जाते हैं या कभी कुछ हो नहीं पाता, तो आप ये कैसे कर पाती हो और इसकी कंसिस्टेंसी कैसे मेनटेन कर पाती हो? करने वाले तो हम कोई नहीं है, करने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये एक दुआ है जो मैं बहुत पढ़ती हूँ, हर नमाज में दुआ के वक्त पढ़ती हूँ, नमाज के बाद पढ़ती हूँ, कभी भी बैठे रहूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये सब आपसे शेयर करती हूँ। तो आप चाहे तो मेरे पीछे भी एक बार बोल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुकल्लबल कुलूब तब्बत कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। और ये आप जितना हो सके आप उतना पढ़े, जब आप दुआ मांगते हो उस वक्त पढ़े, क्योंकि देखिए जैसे कि हम जानते हैं लाइफ में अगर हमें कुछ भी चाहिए हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो अगर आप अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो आप भी इसके ऊपर खूब मेहनत करें और कुर्बानियाँ दीजिए, बिकॉज़ बिना कुर्बानी के हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलता। चाहे वो आपकी नींद की कुर्बानी हो या आपके कुछ ना कुछ हम सैक्रिफाइस करते हैं कि आज कभी हम पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आज हमारे एग्ज़ाम्स है या कुछ है, तो आज हम हमारे लोगों को इस फंक्शन में अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि कल ये देना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी ज़िंदगी का पूरा दारोमदार है। तो ये चीज़ें होती है, तो जैसे हम उन चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करते वैसे हम कोशिश करें कि हम अपने दीन की तरफ भी उतनी तवज्जो दें और उसके ऊपर मेहनत करें, क्योंकि जो इंसान मेहनत करेगा वो दुनिया में तो कामयाब होगा ही और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी।